यातायात जागरूकता सप्ताह के प्रथम दिन आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से यातायात रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो शहर के मुख्य चौराहों पर जाकर लोगों को यातायात के बारे में जागरूक करेगा। इसके साथ ही यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव द्वारा हैप्पी डेज स्कूल एवं सेंट चार्ल्स स्कूल में जाकर बस चालकों एवं परिचालकों से चर्चा की। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही बसों के दस्तावेज एवं बसों का निरीक्षण भी किया। खास बात यह रही कि शिवपुरी में पहली बार किसी स्कूल ने स्कूली बसों पर महिला परिचालकों को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बस में जिसमें बच्चियां हैं उसमें महिला टीचर या महिला परिचालक का होना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए हैप्पी डेज स्कूल ने अपनी बसों में महिला परिचालकों की नियुक्ति की है। यह बच्चियों की सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही सराहनीय कदम है। शिवपुरी पुलिस द्वारा सभी स्कूलों से इस संबंध में चर्चा कर महिला परिचालकों की नियुक्ति करने हेतु बातचीत करेगी। जो आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की क्या कार्रवाई है? ये आज हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का प्रथम दिन है, जिसके तहत आज हम दो स्कूलों में गए, पीडीज स्कूल और सेंट चार्ल्स। इसमें मेन मकसद था कि बच्चों की शिक्षा को लेकर बात की जाए। इसके द्वारा आज हमारे चालक और परिचालक जो संचालक बात है इसमें मैटर को लेकर कि हम आए दिन देख रहे हैं कि जो चालक है कहीं साइड गाड़ी चलाए, ओवरिंग भर रहा है, दस्तावेज कम्प्लीट है, फर्स्ट बॉक्स नहीं है, शराब पी के कोई, तो मतलब ये तमाम तरह की चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत जो 18 बिंदु हैं उसके तहत बातचीत की गई है, इनको सख्ती के साथ समझाइश भी दी गई है। और यही बताया गया है कि हमारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे उनके द्वारा भी हम इनको ही चालान भेजेंगे, तो उसमें फिर ये समझ आएगी। तो इनके द्वारा आज बताया अगर हम पालन करें ये देखते हैं, लेकिन आज इनको समझाइश दी गई है। तो अब सप्ताह में हर दिन कुछ नया किया जाए, एक समाज में मैसेज जाए, यात्रा को लेकर प्रचार प्रसार किया जाए। और आज से यात्रा रथ भी हमारा सब घूमेगा, जो आम जन को जागरूक करेगा। यात्रार्थी में भी शहरवासी निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ के दिन का सप्ताह है, और आपके सहयोग से आपके इसमें भरने से किसी न किसी से की आप जान बचा सकते हैं। जैसे कि डेडलाइन का पालन नहीं करते हैं, फिर इनके ऊपर कार्रवाई 75 बस हमारे कार्रवाई की चीज़ें साथ में की गई थी, समय समय जरूर किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आज ये सभी कार्रवाई की नहीं, लगातार ही कार्रवाई लगा।